आने यहाँ पे डाउनटाउन में, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। अब तक तो फिलहाल तो मैं रावण दिखाता हूँ, रावण कैसा है गाइस। ये है दमना का रावण, ठीक है, जिसे कि जलाया जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब जलाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस पे नजर डालो, ये हो रहा है यहाँ पे, मेले चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो पंडाल है वहाँ पे, ये सब पहले कवर करते हैं, खाते हैं पीते हैं कुछ, ठीक है, फिर आके मैं आपको ये दिखाऊंगा। चलो गाइस, ये है दमना का पंडाल, तो पंडाल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। चलो पहले माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको पंडाल दिखाऊंगा, उसके बाद हम मेले में जाएंगे, ठीक है, घूमेंगे थोड़ा मेले में, उसके बाद जो है रावण दहन देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले दर्शन। तो ये गाइस हम अंदर घुस चुके हैं, देख सकते हो गाइस कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, ठीक है। और भाई भीड़ कंपेरेबली, मतलब बाकी अगर कंपेयर करेंगे हम बाकी जगह से, तो इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी कि हम लोग अब तक घूम चुके हैं, ठीक है भाई, एवरेज सी भीड़ है, ठीक है, बाकी सबको दर्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, इतने भी ज़्यादा कुछ प्रबंध नहीं करना पड़ रहा है, बट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट पुलिस प्रोटेक्शन तो एज ऑलवेज है यहाँ पे, विथ आर्म्स, देख सकते हो गाइस, ठीक है, तो हथियार बंद से यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, तो कुछ भी होगा वही ठोक दे जाओगे बच्चा, ठीक है। सो पहले दर्शन कर लेते हैं। बाहर आ गया, अब दिखाता हूँ आपको पंडाल, ठीक है, पंडाल दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड गाइस, ये है दमना का पंडाल भाई, कॉपीराइट लगने वाला, पहली पसंद भाई, बहुत पसंद है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, तो कहीं पे भी मिलता है तो मैं उठा लेता यार, मिर्ची से भी उठ के मैंने कुछ लिख किया है, ठीक है, आइसक्रीम ले आऊँ, ठीक है, थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा चिलचिल करते हैं यहाँ पे, फिर जो है रावण को जलाया जाएगा वो भी देखना है। गाइस अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे रावण दहन, आग तो लगा है यार, आग तो लगा है नीचे से आग लगाए हैं, ठीक है, देखते हैं कि अब देखने वाली बात यह है कब तक आग लगेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से लगा है भाई, पीछे से जो कमेंट्री हो रहा है यहाँ पे, जो लोग उड़िए वाले हो भाई समझ जाओगे, ये गाइस लगा यहाँ पे पूरा रावण जो है ऐसे ही जलेगा, जैसे यहाँ पे वहाँ पे जल रहा है, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही पूरा रावण जलेगा। ओ भाई साहब पैर टूट गए भाई साहब, पैर टूट गए रावण के, पैर टूट गए भाई जलानी, और ओ भाई साहब सर पे आग पकड़ा यार, सर पे आग पकड़ा, अब पकड़ा सर पे आग, पकड़ा भाई साहब पकड़ा, गिरा, ओ भाई साहब क्या चल रहा है यार, रावण दहन भाई, अब लग रहा है कि भाई वर्थ इट है, जो पिछले मैं जो पिछले एक डेढ़ घंटे से यहाँ पे खड़ा होके भाई, मैं तब से मतलब भाई इतना टायर्ड, ओ भाई साहब वर्थ इट, अब लगा कि आया हूँ मैं रावण दहन पे गाइस, ठीक है, भाई साहब बाकी के सर बच, ओ मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद शायद यहाँ थोड़ा अंदर आने के लिए मिला मुझे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वॉलंटियर्स और पुलिस को जाने को अलाउड है, बट हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके है ना आगे अंदर दिखाने के लिए कि रावण का बच्चा कितना है, ठीक है, ये बच्चा है पूरा जलने के बाद, इतना बच्चा है अभी रावण, और वो सर से तो धुआं ही निकल रहा है यार, तो आज नहीं थोड़ा सा तो आग लगा है भाई, आग थोड़ा सा है। ये तो हो गया अपने यहाँ का रावण दहन जो कि बिना पटाखे के था, लेकिन जो भुवनेश्वर में एक्चुअली चार जगह पे जो है पटाखे वाले जो रावण है वो मतलब पटाखे डाल के उसमें वो रावण दहन कर सकते हैं, बट
गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया यार आज का दिन मेरे को। ठीक है, इतना घूमा हुआ जितना घूमा हुआ सच्ची बता रहा हूँ यार, मन भर गया घूम घूम के। ठीक है, तो अब कल पता नहीं कल क्या होगा, कल पता नहीं मेरे को यार। रावण दहन ख़त्म, ठीक है, और आज 3 ब्लॉग मैंने शूट किया, 3 ब्लॉग जिंदगी में भाई, एक दिन में 3 ब्लॉग। ठीक है, तो वो तो आप देख ही लोगे। ठीक है, सो बारिश शुरू हो चुका है यहाँ पे बाहर। ठीक है, दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं शटर खोलूँगा तो फिर पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो यही व्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपको किसी एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।